न्यू किचन वर्ल्ड को आपण मानक स्वागत मु आज आपण मानक पई भजार एक न्यू रेसिपी नै गैसि जहार नाम होसी कदळी आळू भजा। यदि मो चैनल आपण माने नुवा तबे चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिया बेल आइकन डी को दबाय दियंतु। वीडियो डी को शेष जाय देखंतु आ आपणक घरे निश्चय ट्राय करत। चालंतु रेसिपी डी को स्टार्ट करिवा। तीनोटी कदळी आ दुईटी आलू को भल भाव कि धोई नहींपर भाव गोल गोल कर तो मुझे सात रु आठ गोला रसुण को छेचिक नहीं दुईट शुखिला लंका नहीं कि जीरा सोरस नहीं तो ये चलतु गैस टी अन कर कड़ेटी को गरम करे तो कड़ेटी गरम हो जाए आम कि रिफाइंड तेल आड करवा तो तेलटी को किसी समय गरम हाँपी छाड़द तेल टी गरम हो गला शुखिला लंका को पकईद शुखिला लंका टी कि समय भाजवा को छाड़ीद जीरा सोरस को पकईद जीरा सोरस फुटी फुटी आसला तो काटिकी रखी कदळी आउ आलू को पकईद ये आम तेल सहित कदळी आलू को भल भाव मिक्स कर स्वाद अनुसार कि लुण लुण दे कि हलदी आम एबे मिक्स कर भलसे आम मिक्स हो गला हलदी आ लुण एबे आम घोड़नी देद ताकुआमे एबे पांच छ मिनिट छाड़ी दबा तो एबे मु घोड़नी खोलिकी देखुची तो एठी आमर आलू कदळी सिझी नाई तो ताकु आमे एबे भल भाव आउ थरे मिक्स करिनवा नहले तले लागिजिव कदळी आलू तो एबे आमे ताकु आउ थरे ढांकुनी दे दबा तो ताकु तीन रु चार मिनिट छाड़ी दबा तो मुझे छेचा रसुण को रखी थी ताकूँ तार बहुत बढ़िया बास्ना आसी थाए कदळी आलू भजा ताकू मिक्स कर ढाकुणी को देदे आई रु तीन मिनिट रखिदेवी आमर दुई रु तीन मिनिट हो सारा तो ढाकुणी खोलिकी देखुची एबे तो मु कदळी आउ आलुटी आमर सिझिला कि नाई देखु तो आमर टिके टिके भाजी हो आसला तो यहपर भाव आम खोला छाड़ी दबा एबे आउ ढाकुणी दबा नाई खोल रखिकी ताकूँ पाँच रु छ मिनिट यहपर भाव में मझे मझे घाँटी ने देखु भाजी है कि ना तो ये मुझे देखु आमर ये आलूटी सीझी आसला तो आउटे आम सीझे ये आलू तो यहपर भाव में आम छाड़ी दबा तो
ସେଠି ଆମର 5-6 ମିନିଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ତ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ତ ଆମର ଏଠି ଆଳୁ କଦଳୀ ଆଳୁ ଭଜା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ଟିକୁ ଅଫ୍ କରିଦେଇକି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ତ ମୁଁ ଏବେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଏହାକୁ ଆପଣ ସହଜ ଆଉ ସରଳ ଉପାୟରେ ନିଜ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଆପଣ ପଖାଳ ଭାତରେ, ଗରମ ଭାତରେ ଆଉ ରୁଟି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ମୋ ରେସିପିଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ରେସିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ରେସିପି ସହିତ। ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।